हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पीओके में मिशन कश्मीर शुरू होगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A का अंत करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के एजेंडे में पीओके और एक्साइचिन का इलाका है। दे रहा हूं भैया, मैंने सवाल खड़े नहीं करे, क्यों ना दे, क्यों ना दे, वो भूल के कारण आज देश को सजा भुगतनी पड़ रही, वो भूल के कारण आज हजारों लोग मारे गए, वो भूल के कारण आज देश टेररिज्म का भोग बना है, क्यों ना दे जवाब, क्यों ना दे नाम, जरूर देंगे, ये इतिहास का हिस्सा है। आवाज, मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूँ, आवाज ऊंची हुई है, सुने भाई, मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूँ, मेरी आवाज ऊंची हुई है, इसलिए ऊंची हुई है कि अगर किसी को न सुनाई पड़े तो ध्यान से सुन। हुर्रियत के होश ठिकाने आ गए। बताओ क्यों बंद है, और ये आदत नहीं दे रहा है, वो लोग तुमने कहा था कि ये आजाद है, जहाँ कहीं जा सकते हैं जा सकते हैं, वहाँ दबा तो खोलो, हम कोई उड़कर थोड़े ही जाएंगे, उड़कर हम थोड़े नहीं जाएंगे। पाकिस्तान को सांप सूंघ गया। जब लोकसभा में दहाड़े गृह मंत्री अमित शाह, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे इसके लिए। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 और 35A से आजादी दिलाने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके और अक्साई चीन में तिरंगा लहराने की कसम खाई है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर के दो केंद्र शासित राज्यों में बांटने का बिल पेश करते समय विपक्ष के किसी सदस्य ने पीओके का मुद्दा उछाला तो गृह मंत्री अमित शाह का गुस्सा फूट पड़ा। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूँ तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। अमित शाह ने साफ साफ समझा दिया कि मोदी सरकार के लिए जम्मू कश्मीर का मतलब क्या है। हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A खत्म करके नेहरू सरकार की 1947 वाली भूल सुधारने का ऐलान किया था। गृह मंत्री का पीओके और अक्साई चीन को दोबारा भारत का हिस्सा बनाने का संकल्प भी उसी का हिस्सा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपनी पूरी रियासत का भारत में विलय किया था। महाराजा हरि सिंह की जम्मू कश्मीर रियासत कठुआ से गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख से रावल पिंडी तक थी। बंटवारे के दौरान पैदा हुई अफरा तफरी का फायदा उठाकर गिलगिट में तैनात महाराजा के अंग्रेज सेनापति मेजर विलियम ब्राउन ने बगावत कर दी, क्योंकि वो चाहते थे कि गिलगिट पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। गिलगिट की बगावत की तरफ महाराजा हरि सिंह का ध्यान नहीं गया और 1 नवंबर 1947 को गिलगिट में राजा शाह रईस खान ने अपनी अंतरिम सरकार बना ली। उस वक्त महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत के पश्चिमी हिस्से में उलझे हुए थे, जहां पाकिस्तानी फौज ने कबायलियों के वेश में हमला कर दिया था। इस हमले में महाराजा हरि सिंह की रियासत का 13,297 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। महाराजा हरि सिंह को डर था कि पाकिस्तान उनकी पूरी रियासत को न हड़प ले, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तानी फौज का हमला होने के तुरंत बाद 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बनने की हामी भरी और बदले में ये शर्त मनवा ली कि भारत का हिस्सा बनकर भी जम्मू कश्मीर अपने अलग अलग संविधान के हिसाब से चलेगा।
जम्मू कश्मीर के भारत का हिस्सा बनने के बाद भारतीय फौज ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तानी फौज को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। ये जंग एक साल से भी ज्यादा लंबी चली और फिर 5 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशंस ने जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। युद्ध विराम की शर्तें 13 अगस्त 1948 को ही संयुक्त राष्ट्र में पेश की जा चुकी थी। बीजेपी इसे भी नेहरू सरकार की खतरनाक भूल मानती है। अब मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता हुंकार भर रहे हैं कि जैसे आर्टिकल 370 और 35 से खत्म हुआ, वैसे ही पीओके नाम के अध्याय का भी प्रधानमंत्री मोदी ही सुखद अंत करेंगे। नई मंजिल है, नई रोशनी है, पढ़ो परदेश है, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो बहुत हम चाहते हुए भी वहाँ लागू नहीं कर पाते थे। अभी तो ये शुरुआत है आगे। पीओके पर मोदी सरकार के तेवर देखकर पाकिस्तान में भी हड़कंप मच गया। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित को अब ये डर सता रहा है कि कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए तो मध्यस्थता नहीं करने वाले कि पाकिस्तान पीओके को भारत के हवाले कर दे। जब ट्रंप के पास वो जाएं, प्राइम मिनिस्टर मोदी 24-26 अगस्त को जब मुलाकात हो, तो वो कहेंगे जी मैंने तो आपको मीडिएशन का कहा था, जम्मू और कश्मीर तो हमारा हिस्सा बन गया, अब जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है उससे मीडिएशन करवाइए हमारी, क्योंकि वो हिस्सा पाकिस्तान के पास है और हम चाहते हैं कि ये मामला हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को तो चूंकि इतनी डिटेल्स का पता नहीं है यहाँ पे हालात का, तो ये मुमकिन है कि ये एक सिनेरियो हमारे खिलाफ जा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों का समान विकास हो, जम्मू और लद्दाख का विकास पीछे पड़ जाए, ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में नहीं चाहती है न चलने देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चीन को भी चेतावनी दे दी है। उन्होंने अक्साई चीन को भी वापस जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने का संकल्प दोहराया। अक्साई चीन 1962 तक जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन का हिस्सा था। 1962 की जंग में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया। आज जम्मू कश्मीर का 37,244 वर्ग किलोमीटर हिस्सा अक्साई चीन के नाम पर चीन के कब्जे में है। अक्साई चीन वही इलाका है जिससे पाकिस्तान और चीन के बीच सीधा संपर्क होता है। पीओके को भारत का हिस्सा बनाने का संकल्प 1994 में संसद ने पास किया था, लेकिन ये पहली बार है जब भारत सरकार ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि पीओके और अक्साई चीन दोनों हमारा है, जिसे वापस लिए बिना हिंदुस्तान चैन से नहीं बैठेगा।